चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम इज लाइंग ऑन अ रफ इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5। द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द बॉडी अप द प्लेन। देखो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल है थीटा, ब्लॉक है रखा हुआ एम मास का, और इसको खींचेगी एम जी फोर्स लगा के। इसका परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा होगा, और अलोंग द प्लेन होगा एम जी साइन थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा के इक्वल होगी। और ऑब्जेक्ट को अगर आगे की तरफ मूव कराना है, ये जो फोर्स आप लगा रहे हो आगे की तरफ मूव कराने के लिए एक्सटर्नल फोर्स, तो इंटेंशन ऑफ मोशन आगे की तरफ होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स रफनेस की वजह से पीछे की तरफ लगेगा, तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो होगी एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स, और एफ नेट इज इक्वल टू एम इन टू ए के इक्वल होगा। एम जी साइन थीटा की वैल्यू पुट किया और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इन टू एन, और एन की वैल्यू कितनी है एम जी कॉस थीटा है, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू यहां से उठा के यहां रख दो, म्यू म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा, और ये जो नेट फोर्स फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो कितना हो जाएगा, अगर m और g कॉमन ले लें तो साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा हो जाएगा। m की वैल्यू क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है, g की वैल्यू दिया नहीं तो मैं 10 पुट कर दे रहा हूँ, उसको भी 10 इंटू साइन 30, साइन 30 प्लस म्यू की वैल्यू 0.5 इंटू कॉस 30, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 100 हो गया, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 0.5 इंटू रूट 3/2 ये हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व किया जाए थोड़ा सा 1/2 प्लस ये रूट 3/4 हो जाएगा, रूट 3/4 होगा, और ये वैल्यू आएगी अगर थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो ये 4 एलसीएम होगा 2 प्लस रूट 3, और ये हो जाएगा 100 इंटू 2 प्लस 1.732 डिवाइडेड बाई 4। तो जो नेट फोर्स होगा उसकी वैल्यू जो रिक्वायर्ड फोर्स है इसको मूव कराने के लिए वो हो जाएगा 100 इंटू 3.732 डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा 25, और 25 में मल्टीप्लाई कर दें 3.732 का, तो कैलकुलेटर से कर देते हैं, ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 3.732, तो ये वैल्यू आ रही है 93.3 न्यूटन की वैल्यू आ रही है, और जी की वैल्यू 10 रखा, ध्यान रखना। तो ये इससे सबसे क्लोजेस्ट आंसर कौन सा है, 91.4, तो ये ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, अगर 9.8 रखोगे तो हो सकता है बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना चाहिए जो क्लोजेस्ट आंसर हो, तो 91.4 न्यूटन इज द क्लोजेस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।